नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम सर्किट बनाने की, कि सर्किट को कैसे बनाया जाता है और उसको याद भी कैसे कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मैंने एक खबरी की ऑडियो ऐप भी चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ भी उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें भी जाके मुझे फॉलो करें। वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे ऑडियो मैं भेजता हूँ, उसको सुने। और यहाँ पे जो सर्किट जो भी आपको देखना हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो सर्किट को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें मन में ऐसा सुनिश्चित करना होगा कि मुझे कौन सा सर्किट बनाना है। जो भी सर्किट बनाना है उसकी थ्योरी को हमें 2-3 बार पढ़ लेना होगा, ताकि हमें मन में ऐसा मालूम हो जाए कि मुझे क्या सर्किट बनाना है, उसकी थ्योरी क्या है, उसमें इंटरलॉक कौन कौन से आएंगे, क्या क्या उपकरण आएंगे। वो सब सुनिश्चित करने के बाद में हम सर्किट बना सकते हैं। देखो, थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया अच्छी तरह तो सर्किट बना सकते हैं, और सर्किट अगर आप सीख गए तो थ्योरी ऑटोमेटिकली आप बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए हम जानते हैं कि जो सर्किट की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, कंट्रोल सर्किट की बात कर रहे हैं। पावर सर्किट भी इसी प्रकार बनाए जाते हैं, लेकिन कंट्रोल सर्किट अभी पहले बनाते हैं। तो कंट्रोल सर्किट किसे कहते हैं, जिसमें बैटरी का 110 वोल्ट का सप्लाई होता है, उसे हम कंट्रोल सर्किट कहते हैं। कंट्रोल सर्किट बनाने में, कंट्रोल सर्किट में सप्लाई कहाँ से स्टार्ट हुई, बैटरी से, और फ्यूज से होती हुई सर्किट में जाती है। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको एक पेंसिल लेनी पड़ेगी, ये देखो पेंसिल है मेरे पास, और एक रबर भी साथ में रखना, ये रबर। पहले एक दो बार आपको सर्किट को देख के हूबहू बना लेने का, मैं भी ऐसा ही सीखा हूँ, पहले देख देख के बनाना, फिर बिना देखे बनाना। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल देवे कि मुझे सर्किट नहीं आएगा, मैं तो मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मैंने तो फीटर में ITI की है, मुझे नहीं आएगा, कैसे आएगा, टेंशन हो रहा, ऐसी बातों को निकालते दिमाग में। अगर किसी और को आता है तो हमें भी आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास थे रसरी होत जाते, सिल्पर होत निशान कहते हैं ना, अभ्यास करेंगे तो सब कुछ आएगा। तो हम कंट्रोल सर्किट बनाते हैं, और आज बनाते हैं डीजे कंट्रोल सर्किट, डीजे कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अब जब डीजे कंट्रोल सर्किट का हमने नाम लिया तो हमको मालूम पड़ गया कि इस सर्किट में क्या क्या होता है, डीजे क्लोज करना, डीजे ओपन करना, डीजे अपने आप कैसे ओपन होता है, वो सब चीज़ें इसमें होती है, और रिले कौन कौन सी होती है वो भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है। तो अब सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कंट्रोल सर्किट को सप्लाई बैटरी से जाती है, तो सबसे पहले बैटरी का मैंने सिंबल बताया था पिछले वीडियो में, बैटरी का सिंबल ऐसा है, ऐसा लाइन खींचा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार चलता है, ये चला, तो ये बैटरी हो गई है। और बैटरी के दोनों साइड में ऐसा एक स्विच दिया हुआ जिसको HBA कहते हैं, HBA इधर भी है, HBA, ठीक है। तो ये बैटरी का बना दिया, और बैटरी के दाद में जो भी आउटपुट निकलता है, नीचे वाला तार जो है उसको बोलते हैं नेगेटिव तार, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और इधर जो तार चलेगा वो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार हमने बना दिए, तो ये सर्किट की रूपरेखा तैयार हो गई आपके पास में, यूँ समझो कि आधा सर्किट बन गया, इतना अगर आपने बना दिया। अब बैटरी से जब निकलते हैं तो हमको मालूम है बैटरी से सप्लाई निकलती है, यहाँ पे एक CCBA फ्यूज होता है। हालांकि ये सर्किट में रफ सिखाने के लिए रफ बना रहा हूँ, फिर बनाएंगे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, CCBA रहता है। और इधर से ये सप्लाई आ रही है, तो हम जानते हैं कि चार्जर नाम की एक चीज़ है अपने पास, बैटरी चार्जर। जब डीजे क्लोज होता है तो चार्जर की सप्लाई डायरेक्ट इधर चली जाती है, फिर बैटरी का रोल खत्म हो जाता है। तो यह आप सबसे पहले बैटरी के सर्किट, बैटरी ऑन करते ही लोगों में क्या होता है, Q118 इनर्जाइज होती है। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे Q118 का एक बना देंगे, ये Q118, ये इनर्जाइज हो गई, Q1 कॉइल ऐसे बना दिए, Q118, ठीक है। हम जानते हैं कि डीजे कंट्रोल सर्किट में Q44 होती है, ये Q44 बना दिया, ये Q44, ठीक है। अब हम जानते हैं कि Q118 पे C118 का NC इंटरलॉक रहता, दिया एक NC इंटरलॉक लगा दिया, ये C118, ठीक है। हम जानते हैं Q118 पे सभी ब्लोवर्स के NC इंटरलॉक रहते हैं कॉन्टेक्टरों के, तो यह बना देगी इस प्रकार का, और यहाँ C105, 106, 107 ये NC इंटरलॉक हो गए इसको, और यहाँ पे Q44 का एनसी इंटरलॉक, ठीक है। हम जानते हैं कि इन कॉन्टेक्टरों के इस प्रकार यहाँ पे डिवाइड करने के लिए लाइन की होती है, यहाँ पे इनके आइसोलेटिंग स्विच रहते हैं,
इस प्रकार ये आइसोलेटिंग स्विच है। 105 का कौन सा रहेगा? HVMT 1 रहेगा, HVMT 2 रहेगा, HVRH रहेगा, और यहाँ पे Q44 के जो ब्रिज हैं यहाँ पे बीच में और भी तीन जो रिले हैं वो आएगी, QPH, QVSL1, QVSL2, QCVR यहाँ पे आएगी। तो इसको थोड़ा मैंने छोटा बना दिया, इसलिए रबर लेके बैठे हैं, इसको हम बड़ा कर देंगे। इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, है ना। तो यहाँ तीन रिले आएगी, एक दो चार रिले, चार आ जाएगी। कौन सी आएगी? QPH, QVSL1 और QVSL2 और QCVAR, और यहाँ इनके आइसोलेटिंग स्विच, यहाँ भी आ जाएंगे आइसोलेटिंग स्विच, ठीक है। और यहाँ भी इसकी रिले आ जाएगी, ये कौन सी रिलेगी? QVMT1, QVMT2 और QVRH, ठीक है। इसके बाद में हम जानते हैं कि यहाँ पे Q100 पे Q46 का NC इंटरलॉक है, Q46 का NC इंटरलॉक। हालांकि मैंने इसको समझाने के लिए जगह वगैरह ठीक से नहीं छोड़ी है, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे फिर आएगा C105 का NO, C106 का NO, C107 का NO, और इसको GR0 से बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ पे HVMT और HVMT2 का बाईपास स्विच हो जाएगा, Q46 हो जाएगी। अब Q44 अगर लिया है तो Q44 के ऊपर हम जानते हैं कि Q30 का एक एनो इंटरलॉक होता है, ये Q30 का एनो इंटरलॉक। उसके बाद में हम जानते हैं कि QVSI1 और QVSI2 के एनो इंटरलॉक रहते हैं, QVSI1 और 2 एनो इंटरलॉक रहते हैं। इनको GR0 से बाईपास किया रहता है, GR, ठीक है। और इनको पूरे को पूरे Q30 के इधर पूरे को पूरे कैसे किया जाता है? यहाँ पे Q45 के द्वारा। और हम जानते हैं Q44 पे एक Q118 का भी टेम्पोराइज इंटरलॉक होता है, 5 सेकंड वाला, ठीक है। और यहाँ पे GR0 एंड फुल नॉचेस। तो इस प्रकार मैंने दो ब्रांच बनाई है, Q118 की और Q44 की। इन ब्रांचों को अगर गलती हो जाए फिर सर्किट में देख लो और मिटा के उसको सही कर लो। इस प्रकार अब ब्रांच बनाएंगे हम Q45 की, तो ये Q45 की ब्रांच बना दी, ये Q45 की ब्रांच को हम जानते हैं कि CCDJ फ्यूज से सप्लाई मिलती है, यहाँ पे CCDJ फ्यूज बना दिया, और क्या, ये CCDJ बन गया। फिर इसके नीचे यहाँ BLDJ, BLRDJ, और BLRDJ के नीचे से जाएगा इधर तो MTDJ, ये MTDJ हो जाएगा, और यहीं पे MTDJ के यहाँ से एक सप्लाई आएगी C118 बन जाएगा, और यहीं पे EFDJ, और EFDJ पे C118 का NC इंटरलॉक, NO इंटरलॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये करीब करीब मतलब DJ कंट्रोल सर्किट बन गया। अब MTDJ पे क्या होगा? सभी सेफ्टी रिले के NC इंटरलॉक लग जाएंगे, सबसे पहले Q44 का NO इंटरलॉक लग जाएगा। इस प्रकार हम चाहें तो सर्किट, ये मैंने जल्दी जल्दी रफ बना के आपको हौसला देने के लिए बनाया है। इसको धीरे धीरे बनाएंगे, भले 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन आप चाहें तो इस प्रकार अच्छा सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये देख के आपका थोड़ा हौसला बुलंद हुआ होगा, आप मोटिवेट हुए होंगे और सर्किट बनाना सीखेंगे। अगर आप सर्किट बनाना सीखते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ आप सर्किट बनाना सीख रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप कोशिश कीजिए, आप अवश्य सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।